हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनू। आज एसएससी एमटीएस 2020 जिसका ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम हो चुका है, अब उनको अपना फाइनल रिजल्ट का बहुत ही काफ़ी मतलब इंतज़ार है। तो मैंने ऑलरेडी जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, जो हर चीज़ यहाँ पे है, जैसे महाराष्ट्र हो गया अपना ये, और दिल्ली का भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके निकाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी मैंने कट ऑफ को देखा, फुल एनालिसिस करके हम दो तीन जगह का आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा पोस्ट है, जिसमें ज़्यादा बच्चे अपीयर होते हैं एग्ज़ाम, वो सारे हम वहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि उस वहाँ का एटलीस्ट कट ऑफ कितने जाने वाला है, कितना एक्सपेक्टेड वहाँ पे कट ऑफ जाने वाला है, वो आज हम आपको इस वीडियोज़ में दिखाएंगे। पहले हम दिल्ली का दिखाएंगे, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो महाराष्ट्र का रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट जहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली वैसे वैसे चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको लगता है आपको भी अपनी जगह का या आपके जो आप जिस स्टेट में हो उसका आपको कट ऑफ जानना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए कि आपके कौन से स्टेट का आप कट ऑफ जानना चाहते हो, ठीक है। इससे स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आसपास मेरा उतना मार्क्स आया है कि नहीं, मेरा मतलब लगने का चांसेस है कि नहीं, एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट सारे वीडियोस लेके आता है, ए टू जेड सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की, ये एवरीथिंग ये आपको पूरा प्रोवाइड करता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो चलो मैं आपको दिल्ली का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाती हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लिस्ट में पूरे हर एक स्टेट हो गया, चाहे जो मतलब जिस जगह पे ज़्यादा कट ऑफ जो जाते हैं वो सारा लिस्ट है ये। तो मैं यहाँ पे दिल्ली का EWS कैटेगरी का पहले बताना चाहूँगी। EWS का यहाँ पे देखो कितने स्टूडेंट यहाँ पे मतलब दिए हैं, कितने स्टूडेंट का यहाँ पे क्रैक हुआ एग्ज़ाम 1755, ये कितने बच्चों ने क्रैक किया हुई है वो नंबर्स हैं, और कट ऑफ कहाँ पे गई है, कितना गया वो यहाँ पे दिया आपको दिख रहा है। यहाँ पे 75 समथिंग कुछ पॉइंट में है, 0.03822 इस तरीके से ये नंबर दिया है। मैं एक तरफ से मान के चलती हूँ यहाँ पे 76% गया हुआ है दिल्ली का कट ऑफ EWS कैटेगरी में। अब मैं SC का भी दिखा देना चाहती हूँ। देखो SC का ये है यहाँ पे 74 गया है SC कास्ट का। अब ST कास्ट का मैं दिखा देना चाहती हूँ, यहाँ पे 65% गया है आपके ST कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें ना। ESM आप सबको पता है ये कौन सी कैटेगरी होती है, यहाँ पे सिर्फ 20% गया है, जो सर्विस मैन लोग होते हैं उनकी बात है यहाँ पे, उनका तो कम बहुत ही कम जाता है, 20% गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे जो OH वाले लोग होते हैं उनका 60% समथिंग पॉइंट में कुछ है ना। HH वालों का भी यहाँ पे देख लीजिए 32%, इनका भी बहुत ही कम जाता है। अब आते हैं OBC कैटेगरी का, ये देखिए OBC का कितना गया है 70% समथिंग कुछ पॉइंट में है, तो आप 71 मान के चल सकते हो। अब विजुअलाइज हैंडीकैप का भी आप देख सकते हो VH करके यहाँ पे लिखा है 57% समथिंग कुछ पॉइंट में है ना। PWD का भी आप यहाँ पे देख लीजिए, PWD एंड अदर्स वालों का कितना गया है यहाँ पे 38% गया है। ऑब्वियसली हैंडीकैप वालों का, जो सर्विस मैन के बच्चे होते हैं उनका बहुत ही कम जाता है, 30, 38, 20% इस तरीके से जाता है। अब लास्ट फाइनल हम जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखना चाहेंगे। जनरल कैटेगरी का यहाँ पे गया है 75%, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का एटलीस्ट 75% और समथिंग कुछ पॉइंट में है यहाँ पे। तो ये जो हम लोगों ने आज आपको ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया है दिल्ली का हर एक कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे, तो यही सेम एज इट इज़ आपका अभी के लिए भी होगा। ऊपर हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, एक नंबर आगे पीछे, बस इतना सा ही फ़र्क होगा, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप पूरा अच्छे से आप लोगों ने देख लिया है अपने हर एक कैटेगरी का, जो जो आपका कैटेगरी है OBC हैंड, ये कुछ बच्चे हैंडीकैप के हैं, जनरल कैटेगरी है, तो मैंने उनका सबका यहाँ पे कट ऑफ दिखा दिया, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे दिल्ली का मैंने आपको पूरा प्रॉपर्स बता दिया है। तो दिल्ली वाले बच्चे जितने भी होंगे प्लीज़ आप अपना कट ऑफ देख लीजिए, अगर आपका इतना है आसपास तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन पक्का है, थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना महाराष्ट्र स्टेट का लेके आएंगे और देखेंगे, और जो भी जैसे आप कमेंट्स करोगे जो भी स्टेट चीज़ों का लेके आओगे, आपको UP का जानना है, बिहार का जाना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, हम उस स्टेट का यहाँ पे लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।